स्टूडेंट स्टूडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी कितनी परसेंट पढ़ाई बोर्ड्स की हो चुकी है, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताना, 20%, 50%, 80%, 90% जो भी है प्लीज बताना, ताकि उसके हिसाब से हम वीडियोस प्लान कर सके, उसके हिसाब से मैम आपको गाइड कर सके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएससी बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, ठीक है। 2024 में केमिस्ट्री का पेपर कैसे आने वाला है आपका, ठीक है। कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार का पेपर होगा, ठीक है। हम कैसे मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया क्वेश्चन कहां से आते हैं हर साल, ठीक है, और पेपर पैटर्न कैसे होता है, इस बार पेपर टफ आएगा इजी आएगा, इसके ऊपर थोड़ा बताइए, ठीक है। तो उन सब पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। मैम ने अपने समय पे 98 से भी ज्यादा परसेंटेज स्कोर किया था, ठीक है, बोर्ड्स में। मैंने 90 प्लस परसेंटेज स्कोर किया है बोर्ड्स में, ठीक है। तो कुछ सेट्स ऑफ रूल होते हैं, वो आपको फॉलो किया आपने तो आपके भी परसेंटेज उतने बन जाएंगे, ठीक है। उन्होंने लगभग 40 डेज में उतना स्कोर किया था, उन्होंने कल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट वीडियो सेक्शन में जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आज मैं जो पेपर आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है, वो एज इट इज आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 100 स्टूडेंट ने ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ, क्योंकि दो चार स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं फिर से मुझे पीडीएफ डालनी होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट 100 ज्वाइन हो गए तो मैं तुरंत पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि कैसे पेपर आने वाला है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन होता है आप सब बच्चों को पता है, वो आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है। एमसीक्यू सेक्शन में आपके 10 एमसीक्यू आते हैं, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। द रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको कौन सा ऑर्डर पहचानना है, ठीक है। ऑर्डर पहचानना मैंने आपको सिखाया है क्रैश कोर्स में, ठीक है, कैसे ऑर्डर आप एक सेकंड में कैसे निकाल सकते हो ऑर्डर को, ठीक है। इस चीज के बारे में हमने लास्ट केमिकल काइनेटिक के लेक्चर में देखा है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स को विजिट नहीं किया तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इन फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट भी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आप तुरंत देख के आंसर मार्क कर सकते हो इन सब चीजों का। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। सेक्शन ए का ही दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका शॉर्ट आंसर, मतलब वहां पे एक मार्क के आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखना होता है बेसिकली। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन केसीएल। मोल्टन केसीएल की सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ ये रिएक्शन लिख दिया आपने तो भी आपके नंबर बन जाएंगे। तो इस प्रकार के इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे रिएक्शन पूछिए, आपको यहाँ पे मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन पूछिए, आपको सेम किसी और इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पैटर्न सेम रहता है। आप बोलोगे भैया ये पेपर कहां से मिला आपको, ये पेपर आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ मोस्टली लाइक क्वेश्चंस, ठीक है, जो 21 अपेक्षित होते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं बच्चों को भी वही बोलता हूँ, लास्ट 5 सालों से मैं वही रेफर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे नहीं खरीद पाते लेकिन मैं उनके लिए फ्रीली अवेलेबल कर देता हूँ, तो आपको ये पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल मैं करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन में नहीं जाएंगे लेकिन आप यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो। जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन बी, यहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि यहां पे आप तुक्के से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है, तुक्का नहीं लगा सकते। जो ऊपर का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, उसको आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है कि रिएक्शन कैसे होगी, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, आप एग्जैक्ट आंसर मार्क करते हो। लेकिन सेक्शन जो बी आता है वहां पे आपको ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना होता है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत पॉइंट वाइज चीजें लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्वेश्चन जैसे लिखा है, व्हाट आर जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके उन्होंने देखो पॉइंट्स में आंसर्स लिखे, ओके। तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है कि पॉइंट्स हमेशा आपको बनाने हैं जब भी आप पेपर्स लिखते हो, ठीक है। आपको कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ में आंसर लिखोगे, आपने कितना भी सही लिखा है आपका आंसर सही नहीं, मतलब सही कंसीडर होगा लेकिन आपको जितना वेटेज, जितना मार्क्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे जितने आप पॉइंट्स में लिखते हो, ठीक है। पॉइंट्स में चीजें निगलेक्ट हो जाती है चेकर से, ठीक है। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो आपको अभी ये पेपर जो बता रहा हूं उसमें आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन जो वन है ना उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कि आपके रिएक्शन पूछेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, आपके डिफेक्ट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन टू है उसमें क्या होगा, आपको रिएक्शन कंप्लीट करने बोलेंगे। जो क्वेश्चन थ्री है मतलब सेक्शन बी, उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से पेपर को इमेजिन करना है, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन थ्री है ना उसमें एक न्यूमेरिकल आने वाला है जो मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं, ये पूरा सेक्शन हो गया। इस पूरे सेक्शन को आपको ये जो क्वेश्चन है ना यहां पे इनको एटलीस्ट अच्छे से करके जाना, ठीक है, ओके।
सेक्शन सी आ गया, ठीक है। सेक्शन सी में और आपको थोड़े बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। 24 मार्क्स का सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है पता है, सेक्शन सी में आप थोड़ा बहुत तुक्के से लिख सकते हो। तुक्के से कैसे लिख सकते हो, आप आपकी मर्जी की चीजें थोड़ी बहुत एड ऑन कर सकते हो, है ना। अगर आपको 5 लाइन का आंसर पता है, आप 5 को साथ में खींच सकते हो, तो जो होता है ना थोड़ा इलांगेट करना, आप यहां पे कर सकते हो। सिर्फ आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने, एक नंबर का पॉइंट, दो नंबर का पॉइंट, तीन नंबर का पॉइंट, चार नंबर का पॉइंट, इस पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखोगे तो आपकी जरूर नंबर बन जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेक्शन हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते, ठीक है। यहाँ पे बताया भी कि आपको आंसर कैसे लिखने पड़ते, ठीक है, कैसे लिखोगे तो ज्यादा आंसर मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लास्ट सेक्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, सेक्शन बी के ऊपर, जो कि आपका 12 मार्क्स के लिए होता है। आपको यहाँ पे बहुत लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आपको डेरिवेशन आ सकता है, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको जो भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ पे आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपको इतना पकड़ के चलना है कि लास्ट में मुझे एक डेरिवेशन तो करना ही करना है। तो डेरिवेशन में आपको ना 10 से 12 डेरिवेशन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, या फिर 10 से 12 डेरिवेशंस की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो पेपर है वो बनने वाला है, ठीक है। ये पीडीएफ है मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी देखो यहां पे आपको क्या करना है, सॉलिड स्टेट पे गए, सारे आपके इतने पीवाईक्यूज आपने अगर कर लिए, एमसीक्यूज अगर आपने कर ली, तो मैं आपको एक बताता हूं, इतने कर लिए ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड्स के एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं 10, आप उतने करके आ जाओगे, ठीक है। नवनीत के जो अपेक्षित है वो 15 साल से चल रहे हैं, ठीक है। अगर उनमें पोटेंशियल नहीं रहता तो वो चलते नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने मेरे टाइम पे खुद ने यही फॉलो किया था, 4 सालों से मैं बच्चों को यही फॉलो कराता हूं इन टर्म्स ऑफ एचएससी बोर्ड, ठीक है। अगर आप किसी और बोर्ड के हो तो मैं आपको अलग बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड्स में हो तो अगर आप नवनीत फॉलो करते हो अच्छी बात है, नवनीत नहीं तो टारगेट आप फॉलो कर सकते हो। जब सीटी की बात आती है तब मैं नवनीत की बात नहीं करता, सीटी के टाइम पे नवनीत नहीं चलता, आपको यहाँ पे टारगेट को लाना पड़ता है, या फिर अदर जो बुक्स है, दिशा पब्लिकेशन वगैरह, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सारे बुक्स वगैरह बताऊंगा मैं आपको, अभी आपको क्या करना है, इंस्टेंटली ये पूरे जो पेपर मैंने आपको बताया, इस पेपर को आपको ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैच होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। आपको ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जैसे 100 स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे मैं पेपर को डाल दूंगा, ठीक है। ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल है, ये पेपर्स आपको अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिले तो ऐप पे तो जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स का आएगा, ठीक है, फिजिक्स का वीडियो जैसे आएगा, ठीक है, फिजिक्स का वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालूंगा, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।